हेलो, मैं ऑल लवली स्टूडेंट्स एंड माय ऑल फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल इन अ साइंस लेक्चर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का साइंस, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है माय डियर चिल्ड्रन, इसके पहले हमने चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। ठीक है, और क्या पढ़ा है हमने? व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या है? उसके बाद सेल के बारे में जाना था हमने। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ या व्हाट इज द स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था हमने। ठीक है, कुछ एक्टिविटी भी हमने देखी थी, है ना, कैसे CO2 या O2 एंटर करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। करंट टॉपिक क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। कुछ एक्टिविटी भी हमने देखा था, यानी कुछ एग्जाम्पल, कुछ प्रैक्टिकल भी हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे सेल में एंटर होते हैं और सेल से बाहर जाते हैं, किस मात्रा में जाते हैं, क्यों जाते हैं, इसमें हमने पढ़ा था कि जो डिफ्यूज़न है वो मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, इसी सीरीज़ में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने स्टॉप किया था, वाटर आल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। आज हम पढ़ेंगे कि वाटर यानी पानी भी इस रूल के अकॉर्डिंग, डिफ्यूज़न के रूल को फॉलो करता है, यानी इसके अकॉर्डिंग ही वाटर सेल से बाहर या सेल के अंदर मूव करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो वाटर का मूवमेंट होता है वो परमीएबल मेम्ब्रेन से होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मीसस। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑस्मीसस, यानी अगर हिंदी इसका देखें तो कहते हैं परासरण। ठीक है, यानी जो वाटर सेल से बाहर और अंदर एंटर करता है और आउट होता है, वो जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं ऑस्मीसस। और प्रोसेस होता है किसके द्वारा है? परमीएबल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं क्या प्रोसेस है। द मूवमेंट ऑफ वाटर एक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। यानी जो वाटर का मूवमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, वो क्या है? वो उस पर डिपेंड करता है कि वाटर में जो सब्सटेंस घुला रहता है, वाटर में जो सब्सटेंस है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि कितना वाटर सेल के अंदर जाएगा, कितना वाटर सेल के से बाहर आएगा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे एंटर करेगा, कितना, कितने अमाउंट में। ठीक है, इस प्रकार ऑस्मीसिस इज द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन टू रीजन ऑफ लो वाटर कंसेंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। यानी कि जो आपका जो वाटर है जो इन एंड आउट होता है सेल से, ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? ऑस्मीसिस जो प्रोसेस है उसके द्वारा होता है। ठीक है, और ये हाई कंसंट्रेशन से, सॉरी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है। यानी अगर वाटर में सब्सटेंस ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, यानी उसमें जो घुला हुआ है, नमक हो गया या चीनी हो गया ज़्यादा मात्रा में है, उसकी मात्रा ज़्यादा है, यानी कि वाटर जो सोल्यूशन है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, तो वो हाई से क्या होगा, जिधर कंसंट्रेशन कम होगा वाटर का उधर मूव करेगा। ठीक है, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। व्हाट विल हैपन इफ़ यू पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू अ सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। क्या होगा अगर हम एनिमल सेल या प्लांट सेल को सुगर या सॉल्ट के सोल्यूशन, वाटर सोल्यूशन में रखें, यानी जिस वाटर में सुगर या सॉल्ट घुला हो, सोल्यूशन हो, उसमें हम रखें सेल को, तो क्या होगा? वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन। इसमें से थ्री थ्री थिंग्स नीचे दी गई, थ्री पॉइंट्स दिया हुआ है, यानी थ्री प्रैक्टिकल बताया है नीचे, जिसके जिसमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या प्रैक्टिकल है। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसेंट्रेशन देन द सेल, मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज़ वेरी डायल्यूट, द सेल विल गेन वाटर बाई ऑस्मीसिस। यानी जो पहला प्रोसेस है, पहले प्रोसेस में ये है कि जो वाटर का कंसेंट्रेशन है वो हाई है, मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज़ वेरी डायल्यूट। जो, और इसका मतलब क्या हुआ कि
कि जो बाहर का सॉल्यूशन है वो बहुत ही डाइल्यूट है, यानी कि कम है। द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्प परासरण दाबी विलयन, यानी जो कंसंट्रेशन है वाटर का सेल के बाहर वो डाइल्यूट है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है, डाइल्यूटेड है, कम है, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? बहुत कम है जो कंसंट्रेशन है वाटर का, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट मोर वाटर विल कम इन टू द सेल देन विल लीव। यानी अब मैं आपको एक कंक्लूजन बताती हूँ, ठीक है। पहला जो प्रोसेस है इसमें क्या है? जो वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है, वो डाइल्यूट है, यानी कि लो है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के सॉल्यूशन से, ठीक है, उसमें जो वाटर है। और वाटर पास हो सकता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बोथ साइड, इंटर भी सेल के अंदर भी जाता है, सेल से बाहर भी वाटर आता है, ठीक है। लेकिन पहले प्रोसेस में जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो थोड़ा कम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सेल के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सेल के अंदर एंटर करेगा, और सेल से जो वाटर बाहर आएगा वो बहुत ही कम होगा, यानी इसके अकॉर्डिंग कम होगा, इसकी अपेक्षा कम होगी उसकी मात्रा। तो इससे होगा क्या? ज़्यादा वाटर सेल के अंदर एंटर करेगा, यानी ज़्यादा पानी सेल में जाएगा, तो जो सेल है, ठीक है, वो फूल जाएगी, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। यानी अब सेल में पानी, वाटर ज़्यादा एंटर करेगा तो सेल में क्या हो, सेल क्या होगी? स्वेल कर जाएगी, यानी वो थोड़ी फूल जाएगी, ठीक है, क्योंकि जितना वाटर सेल में एंटर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग बहुत कम मात्रा में वाटर सेल से बाहर आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला प्रैक्टिकल। और दूसरा प्रैक्टिकल है, इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एट द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे सेकंड में क्या है कि कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि सेल के बाहर जो वाटर का कंसंट्रेशन है और सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वाटर का, वो दोनों क्या है? सेम है, ठीक है। और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी सम परासरी विलयन, ठीक है। और इसमें होगा क्या कि वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट द मोमेंट गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट। यानी पान जो वाटर है वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बोथ डायरेक्शन में बाहर एंटर कर सकता है और बाहर आ सकता है, ये तो आप लोग को पता है, लेकिन अमाउंट जो है वाटर का अंदर और बाहर होने का, वो दोनों सेम होगा, यानी जितना सेल से बाहर वाटर आएगा उतना ही सेल के अंदर वाटर एंटर करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? द सेल विल स्टेज द सेम साइज, तो इससे सेल की जो साइज होगी वो एकदम स्थिर रहेगी, जैसे थी वैसे ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पहले वाले में क्या, पहले प्रैक्टिकल में क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एंटर कर रहा था और कम वाटर बाहर आ रहा था, इसलिए सेल में क्या हो गई थी? स्वेल कर गई थी, यानी सेल फूल गई थी। लेकिन सेकंड में क्या है कि जो कंसंट्रेशन है वाटर का बाहर और सेल के अंदर दोनों इक्वल है, इसलिए जितनी अमाउंट, जितना वाटर अंदर जा रहा है सेल के, उतना ही बाहर आ रहा है, तो सेल में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है। थर्ड मोमेंट है क्या है? थर्ड प्रैक्टिकल देखते हैं। इफ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग दैट इज़ वेरी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। यानी थर्ड में है, जो वाटर का जो सोल्यूशन है सेल के बाहर वो हाई है, ठीक है, और सेल के अंदर जो सोल्यूशन है वो क्या है? लो है, मतलब लो कंसंट्रेशन का है, और सेल के बाहर जो वाटर है वो हाई कंसंट्रेशन का है, ठीक है। द सेल विल लॉस वाटर बाई ऑस्मीसस, इसमें क्या है? सेल जो वाटर लॉस करेगा वो किसके द्वारा? ऑस्मीसस जो प्रोसेस है उसके द्वारा, ठीक है। और इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी अति परासरण दाबी विलयन हिंदी होगा इसका, ठीक है। इसमें कंक्लूजन क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन इंटर्स इट। यानी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा दोनों डायरेक्शन में वाटर आ जा सकता है, बट यहाँ पे, यानी थर्ड जो आपका प्रैक्टिकल है, यहाँ पे क्या होगा? वाटर कंसंट्रेशन बाहर का ज़्यादा है, इसलिए बहुत कम मात्रा में जो वाटर होगा वो सेल में एंटर करेगा, ठीक है। इसलिए देयर वाटर लीव्स द सेल देन इंटर्स। तो
इसमें क्या होगा, सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी यानी सिकुड़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पानी बाहर आ रहा है और बहुत ही कम मात्रा में पानी सेल में एंटर कर रहा है, क्योंकि बाहर का जो वाटर सॉल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, यानी उसमें उसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही हाई है, लो नहीं है। ठीक है, तो थ्री प्रोसेस हम लोगों ने देखा। पहले प्रोसेस में क्या था, स्वेल का सेल का जो साइज था वो फूल, उसमें स्वेलिंग आ गई थी, फूल गया था क्योंकि वाटर ज़्यादा एंटर कर रहा था। सेकेंड में था कि मूवमेंट इक्वल था, ना ज़्यादा पानी अंदर जा रहा था ना ज़्यादा वाटर बाहर आ रहा था। ठीक है, और थर्ड में क्या था, थर्ड में ये था कि जो सेल के बाहर का जो वाटर कंसंट्रेशन था वो हाई था, इसलिए सेल के अंदर पानी एंटर कम कर रहा था लेकिन सेल के बाहर वाटर ज़्यादा मात्रा में जा रहा था, इसलिए जो सेल का आकार है वो क्या हो गया था, श्रिंक कर गया यानी सिकुड़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ऑस्मीसिस इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूज़न थ्रू अ सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो ऑस्मीसिस है, जो प्रोसेस है, वो एक स्पेशल केस है डिफ्यूज़न का। ठीक है, जो जिसमें परमीएबल जो मेम्ब्रेन होता है वो मेजर रोल प्ले करता है। नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। आइए कुछ एक्टिविटी देखते हैं। वो एक्टिविटी क्या है, हमने पढ़ा था ना ऊपर कि एनिमल एनिमल प्लांट हो या फिर प्लांट्स एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, अगर उसको सॉल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा, ये क्वेश्चन था ना। तो हमने अलग अलग सॉल्यूशन, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, कि जब सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता है तो क्या होता है, और जब वाटर कंसंट्रेशन कम होता है तो क्या होता है, ठीक है, या इक्वल होता है तो क्या होता है। हमने तीनों जो अवस्थाएं हैं यानी तीनों जो स्टेट है उसको हमने जान लिया। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहला प्रैक्टिकल हम करेंगे एग से, ऑस्मेसिस विद एन एग। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एग को एग का जो ऊपर का छिलका है उसे रिमूव कर देंगे। ठीक है, डिसॉल्व इन डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड का जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, द सेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। जो अंडे के ऊपर जो छिलका होता है उसका जो सेल होता है वो मोस्टली किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ठीक है, अ थिन आउटर स्किन नाउ इनक्लोज द एग, और उसके ऊपर जो पतली स्क्रीन स्किन होती है, सॉरी जो स्किन होती है उसे हम हटा देंगे, और इसे पोर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट, और इसे हम वाटर में डाल देंगे और इसे 5 मिनट ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, द एग स्वेल बिकॉज वाटर पासेस इनटू इट बाय ऑस्मीसिस, यानी सेल एग क्या हो गया, स्वेल एग में स्वेलिंग आ गई क्योंकि उसमें वाटर पास हुआ है, ज़्यादा वाटर उसमें एंटर किया है। ठीक है, द एग स्वेल्स बिकॉज वाटर पासेस इनटू बाय ऑस्मीसिस। ठीक है, तो पहले प्रोसेस में क्या होगा, जो एग होगा उसमें स्वेलिंग आ जाएगी क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी एंटर करेगा, ठीक है, और पानी बाहर कम आएगा। और नेक्स्ट नेक्स्ट क्या ट्राई करेंगे, नेक्स्ट हम इसे रखेंगे कंसनट्रेटेड वाटर में, यानी जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है उसमें रखेंगे। ठीक है, यानी जिस वाटर में सॉल्ट घुला हो, सॉल्ट का सॉल्यूशन हो, उसमें हम एग को छील के, यानी एग का जो ऊपर का जो छिलका है उसे निकाल के एग को उसमें रखेंगे और 5 मिनट ऑब्जर्व करेंगे। हम क्या देखेंगे कि जो एग है वो श्रिंक कर गया है यानी सिकुड़ गया है। क्यों, क्योंकि एग से वाटर पास ज़्यादा मात्रा में हुआ है और उसमें एक जो सेल है उसमें वाटर कम मात्रा में आया है, क्योंकि जो बाहर का यानी जो वाटर का कंसंट्रेशन है सॉल्ट का वो ज़्यादा है। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो पानी का फ्लो जो क्या होगा, वाटर का फ्लो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और इसलिए एक में पानी एंटर कम करेगा और एक से पानी बाहर ज़्यादा आएगा, इसलिए एक क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, सिकुड़ गया एक। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इसमें कि अगर देखिए, इन शॉर्ट कंक्लूज़न ये है कि ऑस्मीसिस क्या है, इसमें जो वाटर का कंसंट्रेशन है, इसमें जो ऑस्मीसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो वाटर है पास कर होता है, ठीक, इन एंड आउट होता है सेल से। ठीक है, और ये इसमें सबसे बड़ा जो मेजर रोल है वो क्या है, वाटर सॉल्यूशन का, यानी वाटर जो मूव करता है वो डिपेंड करता है कि उसका जो कंसंट्रेशन, उसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है। अगर हाई है तो वाटर कम मात्रा में फ्लो होगा, और अगर कम है तो अधिक मात्रा में फ्लो होगा हाई की तरफ। ठीक है,
तो यानी जो सोल्यूशन है अगर वो ज़्यादा हाई होगा तो वाटर कम कम मात्रा में फ्लो करेगा, और अगर कम होगा तो ज़्यादा मात्रा में फ्लो करेगा। ठीक है, यही हुआ है एग वाले प्रोसेस में भी। वाटर का कंसंट्रेशन कम था तो एग में ज़्यादा मात्रा में पानी चला गया, और सेकंड में क्या था, वाटर का जो सॉल्यूशन था, सॉल्ट का जो सॉल्यूशन था वो बहुत ही ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन का था, इसलिए एग से वाटर ज़्यादा आया बट एग में वाटर एंटर ज़्यादा नहीं किया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को ऑस्मीसिस प्रोसेस क्या है। और सेम ये जो एक्टिविटी है, सिमिलर एक्टिविटी, हम इसे हम किशमिश के साथ या खुबानी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, पुट ड्राइड रेजिन्स और एप्रिकॉट इन प्लेन वाटर एंड लीव देम फॉर सम टाइम। क्या करिए, किशमिश को प्योर वाटर ले लीजिए, उसमें छोड़ रख दीजिए कुछ टाइम के लिए। ठीक है, देन प्लेस देम इन टू अ कंसनट्रेटेड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सुगर और सॉल्ट। और फिर इसे सुगर या सॉल्ट का जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है उसमें रख दीजिए। यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग, और उसके बाद ऑब्जर्व करिए। सबसे पहला क्या है, ईच गेन्स वाटर एंड स्वेल्स वेन प्लेस्ड इन वाटर। जब आपने किशमिश को पानी में रखा, ठीक है, जब आपको किशमिश में खाली पानी में रखा यानी प्योर वाटर में रखा, तो वो क्या हुआ, किशमिश फूल गई। ठीक है, उसमें पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया, किशमिश फूल गई। लेकिन जब आपने इसे सॉल्यूशन में रखा सॉल्ट या वाटर के, तो क्या हुआ, किशमिश श्रिंक हो गई यानी किशमिश और क्या कर सिकुड़ गई। ठीक है, श्रिंक हो गई यानी और सिकुड़ा सिकुड़ गई, क्योंकि किशमिश से ज़्यादा पानी क्या हो गया, सॉल्यूशन में आ गया, उसमें पानी एंटर ज़्यादा नहीं किया। किशमिश में जो पानी था वो भी क्या हो गया, लॉस हो गया वाटर। लेकिन किशमिश को जब प्योर वाटर में हमने रखा तो वो फूल गई, यानी प्योर वाटर का जो कंसनट्रेशन था वो कम था, इसलिए किशमिश उसमें फूल गई। लेकिन इसका जो कंसनट्रेशन था इस सॉल्यूशन का वो क्या था, हाई था, इसलिए किशमिश क्या हो गई, श्रिंक कर गई यानी सिकुड़ गई, क्योंकि किशमिश का जो पानी था वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हुआ। ठीक है, यूनिसेलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मीसिस। यूनिसेलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट सेल होता है वो ऑस्मीसिस के द्वारा, यही प्रोसेस होता है वाटर को गेन करने का। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर बाई प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मीसिस। जो प्लांट रूट जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं वो भी जो प्रोसेस है वो ऑस्मीसिस का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी इसी प्रोसेस से जो प्लांट का रूट होता है वो वाटर को अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इस प्रकार डिफ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो डिफ्यूजन है यानी जो विसरण है वो मेजर रोल प्ले करता है गैस या वाटर के एक्सचेंज होने में सेल में। ठीक है, इन एडिशंस टू दिस सेल आल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशंस फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। और इसमें और भी हम ऐड, इस प्रोसेस से जो सेल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशंस को भी एब्जॉर्ब करता है जो इन्वायरमेंट में पाया जाता है। ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड यूज ऑफ एनर्जी। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यानी जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं सेल से बाहर एंड अंदर, वो भी क्या है, टाइप है ट्रांसपोर्ट के, जो कि एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी ऐसे ही इन एंड आउट होते रहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा, अब आते हैं इसके, अब ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्रीवियस लेक्चर में शायद मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, यानी इसमें बहुत लचीलापन होता है। ठीक है, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, झिल्ली, यानी जो प्लाज्मा झिल्ली है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ही लचीली होती है। ठीक है, और ये जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी होती है उसे हम लिपिड या प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लिपिड या प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम ओनली इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं हम। ठीक है, हाउ एवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सॉरी। जब भी ऑब्जर्व कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, हम कभी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन ओनली, यहाँ पे ओनली शब्द यूज़ हुआ है, यानी इसको केवल
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कोश ये जो सेल मेम्ब्रेन का जो लचीलापन है, ठीक है, यानी जो कोशिका झिल्ली का लचीलापन है, वही क्या करता है, एक कोशिकीय जीव में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है, ठीक है। मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी ये जो इसका लचीलापन है, यानी सेल मेम्ब्रेन का जो लचीलापन है, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें क्या करता है, कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना जो वो भोजन इसी के द्वारा प्राप्त करते हैं, इसी से ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा बहुत सहयोग करता है कोशिका झिल्ली का लचीलापन होना, ठीक है। इस प्रक्रिया को, ये जो एक कोशिकीय जीव अपना भोजन बाह्य पर्यावरण से ग्रहण करते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इंडोसाइटोसिस। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है और ये अपना भोजन इसी प्रोसेस से गेन करता है, किस प्रोसेस से, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से, ठीक है। ये एक्टिविटी पूरी खत्म हो गई। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, एक एक पॉइंट को हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कहीं आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेल वॉल क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। माय डियर चिल्ड्रेन, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। एंड हाँ, चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा, आप लोग को इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। पूरा चैप्टर, एक एक चैप्टर आप लोग का कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ाई करते रहिए, लेक्चर को परमानेंट देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आपको लेक्चर सबसे पहले नहीं मिल पाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।